आइए गुप्ता जी आइए। ये है कोचिन की सबसे बड़ी कॉलोनी, यहाँ चेटियार जो बोलता है वही होता है। अच्छा अच्छा। सुनो, हमारा लोनप्पा कहाँ है? वो प्रार्थना कर रहा है। समुन्दर में चलने वाले हो तुम, 5,000 लोगों को आग से बचाने वाले हो तुम, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी करवाई तुमने। जीजस, मुझे अपने चमत्कारों पर यकीन दिलाने के लिए तुम्हें एक बकेट पानी को वाइन में बदलना होगा, वरना मैं सबको बताऊंगा कि तुम्हारा चमत्कार झूठ है और तुम सिर्फ एक पत्थर के पुतले हो। तो मुझे बताओ, तुम ये चमत्कार करोगे ना? क्या अभी तक तुमने नहीं किया? मैंने तुमसे गाड़ी नहीं मांगी, कार नहीं मांगी, करोड़ों रुपए नहीं मांगे, सिर्फ वाइन ही तो मांगी है। 2 दिन हो गए मैंने एक बूंद भी वाइन नहीं पी। शराब के ठेके पर लाइन में नहीं खड़ा हुआ क्योंकि मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। जीजस, तुम जवाब क्यों नहीं देते? लोनप्पा। क्या हुआ जीजस, आप सच में मुझसे बात कर रहे हो? लोनप्पा मैं बोल रहा हूँ। आओ गुप्ता जी आओ। आइए। नमस्ते भाई। ठीक है ठीक है। ये है मेरा लोनप्पा, ये प्यार के लिए जान भी दे देगा और जान ले भी लेगा। तो मैं कह रहा, अरे तू समझाना इन्हें। आपका माल यहाँ रह सकता है। क्या प्रॉब्लम है सर? 2-3 महीनों के लिए ये पूरी जगह ना मुझे चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कुछ 2 नंबर का सामान रखना है हमें। ये लोग ही खाली सामान है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कह रहा। सुनो मेरी बात सुनो, उसमें गन बॉम्ब सब रहेंगे, ठीक है ना? अरे तो खाली चीज नहीं, ये तो खतरनाक चीज है ना। बहुत पैसे मिलेंगे तो कोई बात नहीं है। सामान सब तुरंत ही आएगा, तुम ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाना। हाँ ये रख लो। खास बात यह है कि तुम दारू तो बिल्कुल भी मत पीना, ठीक है? मैंने दारू पीना बंद कर दिया। हाँ, इसीलिए तुम मुझे इतने पसंद हो। अब होगा मिक्सिंग राउंड। ब्रांडी, विस्की, जिन्नी, वोडका, रम। अब ये सब मेरे पेट में जाके मिक्स हो जाएगा। ये सब मिला के पियोगे तो मर जाओगे। मेरा पेट टिप्पर लॉरी है। टिप्पर लॉरी में पत्थर उठाते हैं, ईंटा उठाते हैं, सब उठाते हैं। अच्छा। लेकिन लॉरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चीयर्स। तोड़ दिया। क्या कर रहे हो तुम? क्या मस्त आवाज आ रही है। आज तो बहुत ही मजा आ गया मुझे। क्या बोलता है, एक और बार तोड़ के दिखाऊं? अरे तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इसे बस फेंक रहा हूँ। सिक्योरिटीज़, ए चल बाहर निकलो, निकलो बाहर यहाँ से, दफा। तुम लोगों ने मुझे बाहर कर दिया। मैं कौन हूँ जानते हो? आतंकवादी हूँ मैं। ये बार को मैं खत्म करूँगा, बस देखते रहो, इंतजार करो, देखते रहो। भागो भागो भागो, ये गोलियां चलाने लगा है, ये पागल हो गया है, ये पागल हो गया है। अरे हटो, अरे बचो, ये क्या कर रहा है? वो कैसे हो क्या गया? अरे भागो, अरे बाप रे, मैं बहुत धड़ाका करने लगा। भागो, चल चलो, अभी क्या कर रहा है? भागो, पुलिस को कॉल करो, मेरे को ये एम्बुलेंस बुलाओ। अरे क्या कर रहे हो? चलो भागो भागो, इस तरफ जल्दी आओ। ये कैसा है? मैं तो निकलो, मेरे पैर लग गए। अरे बचाओ, अरे कल पुलिस को फोन करो। कम ऑन, सब तोड़फोड़ कर दिया सर, लगता है आतंकवादी आतंकवादी। वो आदमी अभी कहाँ है? वो आदमी दारू पी के पड़ा है। बाहर में ये सब होता रहता है सर, वो नशे में आतंकवादी बन गया और इन पर हमला कर दिया। Stop it. Sorry, sir. Take him away. ये पानी मुंह में जाने से मेरा स्मॉल प्यावर ड्राई हो गया। ये बताओ तुम कौन हो? लोनप्पा पिच्चे परम्बिल सर। तुम्हारे पीछे कौन है? अरे ये सर है। तो, तुम किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हो? INTUC। अरे तुम किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हो? मैं किसी आतंकवादी संगठन से नहीं जुड़ा हूँ, मैं तो INTUC पार्टी का मेंबर हूँ। तो तुम्हें वो हथियार कहाँ से मिले? सर सिर्फ वो हथियार नहीं, मेरे घर में और बहुत सारे हथियार और बॉम्ब हैं। चेट्टियार सर, यहाँ गड़बड़ हुई है,
सीआई राजन जोसेफ ये केस खुद हैंडल कर रहे हैं। वो आदमी जो मांगेगा हम दे देंगे, लेकिन हमारे नोलप्पा को छुड़वाना है। पैसे देने से कोई फायदा नहीं है सर, वो एक रुपया भी रिश्वत नहीं लेगा। अभी हम क्या कर सकते हैं? माल को वहाँ से जल्द हटा दीजिए। ठीक है, बाद में बात करता हूँ सर। कमिश्नर सर के घर पे कॉल किया। नहीं सर, कमिश्नर सर इवनिंग फ्लाइट से दिल्ली गए हैं। कलेक्टर मैडम है, उनको देता हूँ। कौन है? देवराय स्टेशन से सीआई का फोन है। हेलो मैडम, यहाँ देवरिया में एक बार में गोली चली और बम ब्लास्ट भी हुआ है और एक अपराधी भी हाथ लगा है। उससे जानकारी लेने पर पता चला है कि उसने अपने ही घर में हथियारों को छुपा के रखा है। जल्दी करो, चलो। अरे जल्दी जल्दी। देखो चुपचाप गेट खोल दो, हमें अंदर जाना है। काम क्या है हमें भी बताइए सर। इस कॉलोनी में रहने वाले लोनप्पा के घर में जो बाहर से आए हैं वो हथियार और ऑडियक्स रखे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये फैसला तुम नहीं कर सकते, पुलिस को रोको मत। अगर आप लोग नहीं हटोगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ महिलाएं और छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं। इस रात में हम किसी पुलिस के अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं दे सकते हैं। आप यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। क्या हुआ मैडम? ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे। कोई भी आ जाए, मेहमान अंदर नहीं जाने देंगे। मेहमान आ गए तो क्या, अभी भी नहीं जाने देंगे। पुलिस आपको तंग करने नहीं आई है, पुलिस के काम में टांग अड़ाना गुनाह है, समझ रहे हैं आप लोग? हमें हटाकर अंदर गए तो काट कर पैक कर देंगे। मैडम, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? यू कैन प्रोसीड। थैंक यू मैम। सुरेश? यस सर। इन्फॉर्म द सीआरपी फोर्स टू कम इमीडिएटली। यस सर। हां, यू गो। यस सर। मैडम, मिनिस्टर बात करेंगे। हेलो सर। ये क्या है कलेक्टर? ये सब मेरा इलाका है और तुम मेरे ही वोटरों के पास जाकर के उनको अपनी ताकत दिखा रही हो। ऐसा सर्च ऑर्डर देते समय क्या आप भूल गए थे कि आपके पद को नुकसान भी हो सकता है? देखो, संभल के रहो। वो सर, मैं आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन। डू व्हाट आई से। आज रात को सर्च मत करो, बाकी कल सुबह हम डिस्कस करके सब फाइनल करेंगे। मिस्टर राजन जोसेफ, आज रात कोई सर्च नहीं होगी, ये मिनिस्टर का ऑर्डर है, लेकिन इन गुनहगारों को बचने का मौका नहीं देना। अबे सुबह होने के लिए बहुत टाइम है, तुम्हें समझ में नहीं आता लेकिन क्या फायदा? वहाँ से सर्कल इंस्पेक्टर बिना हटे हिफाजत कर रहा है। ओ, तो एक काम कीजिए, अगर आज रात में सर्कल को डिसमिस किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों, ठीक कहा ना? ये क्या सब्जी बेचने जैसा है? अरे तुमको कैसे समझाऊं मैं, वहाँ काफी सारे चैनल वाले और प्रेस वाले होंगे। अगर एक अच्छे पुलिस वाले को मैंने ट्रांसफर कर दिया तो इस कांड में मेरा भी हाथ है, ऐसा बोलकर सब मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। मिनिस्टर, कहीं तुम फंस ना जाओ, इसीलिए बचना चाहते हो क्या? तो मुंबई वाला गुप्ता, उसका माल यहाँ सेफ रहेगा ये सोचकर हमने रखा था। मैंने बहुत पैसे लिए और तुझे भी बहुत पैसे दिए हैं। अगर माल को पुलिस ने पकड़ लिया तो तू। हाँ चलो, जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। सिवन पिलाई, यहाँ सीआरपी ने कॉलोनी को घेर लिया है, बता दो उन्हें। बता दो। ऐसा? ओके ओके। एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ आप सबको, अब सब खत्म हो जाएगा। सीआरपी ने पूरी कॉलोनी को घेर लिया है। ऊपर वाले। अरे तुम फालतू में टेंशन मत लो, हम रातों रात ही सीआई को सस्पेंड कर देंगे, लेकिन उसका कारण तुम ही बनाओगे। आपको सोना है तो गाड़ी में जाकर सो जाइए। नहीं राघव, इन हथियारों के यहां से हटने तक मुझे नींद नहीं आएगी। तुम ठीक हो? जल्दी करो, चार्ज। हम नहीं जा रहे। तुम अंदर, ये पीछे, तुम्हारी कॉलोनी के पीछे। चलो, ये ले, तुम क्या छोड़ेंगे? नहीं, चलो पीछे, चलो पीछे, ये पीछे, ये ले। नहीं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं। चलो, चल, हमें छोड़ दो, पीछे। अब बस करो, नहीं तो मैं गोली मार दूँगा। रुक जाओ, हटो, फेंक दो। हम मारो, छोड़ो, जाने मत दो इन्हें। तुम्हें छोड़ना मत इन्हें। अरे गोली चला दी, गोली चला दी इन्होंने।
गोली चल गई। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, चलो जल्दी। गोलियां चल रही है, अपनी जान बचाओ। आज रात में देवरिया मार्केट कॉलोनी में पुलिस फायरिंग करने से दो कॉलोनी वासी मारे गए। पुलिस रेड करते वक्त यह घटना हुई है। पुलिस के गोली चलने से लोग काफी गुस्से में हैं और सब मिलकर हड़ताल कर रहे हैं। रेड करने वाले सीआई राजेंद्रन जोसेफ को सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया है और सुनने में आ रहा है कि पुलिस के खिलाफ अपोजिशन पार्टी ने हड़ताल शुरू कर दी है। कॉलोनी और आसपास के इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तुम बच गए चटियार। जो मरे उनका अंतिम संस्कार और हड़ताल खत्म होने तक पुलिस सर्चिंग के नाम से दो दिन तक कॉलोनी के अंदर नहीं जा सकते। इससे क्या फायदा? माल तो वहाँ पड़ा है, आखिर अब हम क्या करेंगे? सुबह सुबह ही निकाल देंगे और क्या। रात में मंत्री को बताया लेकिन समझ नहीं आया। सुबह सर ने मेरे को पूछा कि कौन है तो मैंने बताया ऑपोजिशन लीडर है। तुम चुप रहो। ऊपर वाले, जब तक मुझ पर भरोसा करने वाला कोई इंस्पेक्टर नहीं मिलता तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो सकता, नहीं तो मुझे अभी के अभी मरना पड़ेगा। आपकी बात माननी चाहिए, आदमी को चालाक होना चाहिए और विश्वास वाला भी, मतलब कि 3 in 1। ऐसा एक आदमी है सर, सर आपको याद है 15 लाख रुपया रिश्वत देके पुलिस की नौकरी उसने लिया था, याद है ना? हमारे मुंडा खेत बगीचे के रजिस्ट्रेशन के वक्त पैसे लेकर आया तो आपने कहा था कि कोई भी पागल को हम पुलिस में भर्ती ले लेंगे, पैसे लेकर आना चाहिए। सर उस वक्त मैं ही उसे लेकर आया था, भूल गए क्या? वो कौन है बताओ? इंस्पेक्टर गरुड़। गरुड़? अरे उसे दिया गया नाम है ये, उसे सब प्यार से पुकारते हैं, बेवकूफ कहीं के। नहीं ऐसा कुछ नाम दिया गया है, माधवन कुट्टी नाम है उसका। वो दिखने में सीधा साधा है पर चालाक बहुत है, समझ गए ना सर? सर्विस में आके 3 महीने के अंदर उसने रिश्वत में दिए हुए 15 लाख रुपया और कुछ पैसा जमा कर लिया। कितना स्मार्ट है वो, अगर वो चाहे तो आपकी मदद पूरी तरीके से कर सकता है। बिल्कुल सर, वैसे उसका नाम अब हो गया है गरुड़, इंस्पेक्टर गरुड़। चेटियार बंगला। Thank you.